तो भाई वो अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग, अपने ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग चक्कर बना के रोटावेटर की जुताई करा करो। और हाँ, मेरे भाई जो किराया करते हैं, जो किराए पे जुतवा। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूँ आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो भैया हमारे साथ 69 भाई हैं, इनके बड़ा ये ट्रैक्टर है। तो 69 भाई, कितने फुटा रोटावेटर है? 8 फुट। तो भाई परफेक्ट मैच दिखाऊंगा। बहुत सारे भाई 8 फुटा रोटावेटर सुन के जो ये कहेंगे कि जी 65 HP का ट्रैक्टर है और 8 फुटा रोटावेटर छोटा है। परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे भाई, कवरिंग एरिया भी दिखाएंगे और आपको एवरेज भी दिखाएंगे। तो भाई ये अपना अपना हिसाब है, हमारे हिसाब से ट्रैक्टर कैसे चलना चाहिए तो वो हम आपको दिखाएंगे। गर्मी 1800 चक्कर कर ला, 1800 चक्कर करके लीवर दोनों छड्डी रख। तो भाई वो गरारी भी बताएंगे कि कौन सी है और कितने चक्कर चाहिए, सब कुछ दिखाएंगे। पहले आप परफॉर्मेंस देखो। काली पक्की मिट्टी है जी ये पूरी। तो भाई वो पहले आप जो है चलाई देख लो जी, पूरा ये गेहूं के लिए पूरी पक्की ज़मीन जो है तैयार करी जा रही है। तो चक्कर बहुत ज़्यादा है। तो भाई वो इस ट्रैक्टर में गेयर स्पीड की कोई भी कमी नहीं है, तो इसको जो है बहुत ही ज़्यादा चक्कर कर रखे हैं रोटावेटर के, जिस काम के लिए रोटावेटर होता है जी, मैशियो का रोटावेटर है कि भाई मिट्टी को ब्रीक करने के लिए। और इस कंडीशन में ट्रैक्टर को चलना चाहिए जी, इतने सेट चक्कर आप अपनी ज़मीन के हिसाब से रखें भाई। अगर मान लो हायर HP ट्रैक्टर है और हाई लो मीडियम के साथ ट्रैक्टर है, तो वहाँ पे हम गेयर लगा के जो है गेयर चेंज करके चक्कर ज़्यादा करके कवरिंग एरिया को बढ़ा सकते हैं। कुछ मेरे भाई कहेंगे कि 9 फुट रोटावेटर चाहिए, 10 फुट रोटावेटर चाहिए। तो भाई ने बड़ी बढ़िया सेटिंग कर रखी है जी, इसी सेटिंग पे इसके डीजल का एवरेज भी दिखाएंगे हम आपको। तो दूसरे का लो गेयर है जी, और लीवर दोनों दिखा दे भाई, पूरे फुल डाउन लीवर है जी। और ट्रैक्टर बड़े मज़े में चल रहा है जी इतने हाई चक्करों पे, क्योंकि भाई वो ट्रैक्टर ज़्यादा पावर कैटेगरी का है, 65 HP का ट्रैक्टर है, तो इतने ही आराम से चलना चाहिए। और जो है दो बार में ही पूरी इसमें मिट्टी बारीक कर दी है भाई। वो असल काम रोटावेटर का होता है मिट्टी बारीक करने के लिए, गहरी जुताई के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं। तो 69 भाई जो है कितने चक्कर हैं जी, इसकी गरारी कौन सी है? ये 15-18 की गरारी है इसके ऊपर। तो भाई चक्कर दिखाते हैं एक बार, इधर लेके आओ जी, चक्कर दिखाओ कि कितने बने हैं। तो गहराई भी दिखाना भाई। तो भाई गहराई के लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो 15-18 है जी गरारी, 257 चक्कर हैं जी भाई। इसको जो है नीचे ब्लेड वगैरह दिखा दो। तो पूरी जो है बारीक जुताई आ रही है ये। वीर जी कितना निकाल देता है लगभग एक घंटे में दूसरे की लो में? 5 बीघे से ज़्यादा निकल जाता है। तो भाई यहाँ पे जो सॉयल की कंडीशन है बहुत ही टफ है, तो एक परफेक्ट मैच बना रखा है जी भाई। जैसे ही कोई भी पावर कैटेगरी का ट्रैक्टर हो, तो कुछ भाई कहते हैं कि जी 8 फुटा 10 फुटा रोटावेटर चला रहे हैं, 12 फुटे तक चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमें चक्करों के साथ समझौता करना पड़ेगा और गेयर स्पीड घटानी पड़ेगी। तो एक बीच से का रेशो रखो जी, ये 65 HP ट्रैक्टर कुछ भाई कहेंगे कि कुल 8 फुटा रोटावेटर है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। 1 एकड़ से लगभग ऊपर निकाल लेता है जी एक घंटे में, और ट्रैक्टर बिल्कुल है बढ़िया चल रहा है जी, और जुताई बढ़िया हो रही है। चल भाई इम्प्लीमेंट में साउंड ने इतना अच्छा परफेक्ट मैच है कि कुछ भाइयों के तो मिस मैच की वजह से तेल खर्चा ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, एवरेज भी निकाल के दिखाएंगे इसका। तो भाई अपने जो सॉयल कंडीशन यानी कि जमीन का जो है थर्ड लो, ठीक है जी। तो भाई कोई भी इम्प्लीमेंट हो, मिस मैच इम्प्लीमेंट ना करो जी, तो अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग जो है भाई चलाओ। अगर भाई इसी रोटावेटर को हम जैसे कि रेते वाली धरती है वहाँ पे ले जाएं, तो वहाँ पे 50 HP भी इसको आराम से चला देगा, लेकिन ये खादर की धरती है भाई, जहाँ पे पक्की ज़मीन है। तो कहीं कहीं ऐसी भी कंडीशन है कि 65 HP भी जो है 7 फुट रोटावेटर भी नहीं चला पाता, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो भाई अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग, अपने ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग चक्कर बना के रोटावेटर की जुताई करा करो। और हाँ, मेरे भाई जो किराया करते हैं, जो किराए पे जुतवाते हैं, तो उन्हें ये बहुत रहता है कि भाई गहरी से गहरी जुताई हो। तो भाई ये गहरी जुताई वाला इम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसको पहले हैरो चलाई गई थी, अब 2 बार रोटावेटर मार के जो गेहूं की बिजाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो भाई अटैचमेंट कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी बात से कितने भाई सहमत हैं।
यानी कि भाइयों ज़्यादातर जो मैंने देखा है, मैं किसान भाइयों से मिलता हूँ, जो उनका एवरेज ख़राब होता है वो होता है जी इम्प्लीमेंट मिसमैच से। या तो बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट लगा लेते हैं पीछे, या फिर उनकी गेयर स्पीड या गरारियों के चक्कर कह लो वो सही नहीं बन पाते। तो ये वाला अटैचमेंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता।